346 अंग ते गौड़ी राग की समाप्ति तो बाद सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे ने 347 अंग ते आसा राग। सो सतगुरु महाराज कृपा कर रहे ने पहला महामंत्र की दात बख्शिश करते ने गुरु नानक देव जी। एक ओंकार, ओंकार जो केवल इको एक है सत नाम। जिस परमेश्वर का नाम तिना कालां विच सत है, करता पुरख, करता है जो सारी सृष्टि का, पुरख पूर्ण रूप विच व्यापक है, निर्भौ निरवैर भय तो रहत है वाहिगुरु, निरवैर वैर तो रहत है, अकाल मूरत काल तो रहत जिदी हस्ती है। सो अचल मूर्त, उदार मूर्त, अकाल मूर्त ऐसे बचन महाराज ने वरते हैं अकाल पुरखी लई। अजूने जो जूना दे विच नहीं आउंदा वाहिगुरु, सह भंग सुते सिद्धी प्रकाश अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है। गुर प्रसाद, गुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा जिसकी प्राप्ति हुंदी है। सो इस प्रकार जिवें गुर प्रसाद तक इत्थे उचारिया, इस तो अगे फिर नाल शब्द उचारिया, ये असूल है। जे जपजी साहब दे शुरू विच गुरप्रसाद तक उचारिया तो अगे फिर जप आस सच जुगा सच है पी सच नानक ओसी पी सच एक ला दिता इत्थे बई एक ते समाप्ति है। क्यों मूल मंत्र है मुढ दे विच, मूल दा मतलब मुढ, मुढ मंत्र। इत्थे जिहड़ा महामंत्र उचारिया गुरप्रसाद तक, कई वीर कहिंदे गुरप्रसाद तक पढ़ना चाहीदा, अगे एका ना लगन करके फिर नाल सारा शब्द भी पढ़ो, कोई ना कोई फिर शब्द पढ़ना चाहिए नाल, तां थोड़ा मूल मंत्र उत्थे संपूर्ण होना है जिथे जाके एका लगना। इस करके गलत फहमी छड़ दिओ, नानक ओसी भी सच तक दे एके तक ही संपूर्ण मूल मंत्र बख्शिश किया। राग आसा महला पहला, पहले पाशाह आसा राग विच हुण बख्शिश कर रहे ने गुरु नानक देव जी महाराज। कार पहला, पहले कर सुरतार च गाउण लई रागी सिंघां नूं हुकम करदे हन। सो दर, सो ओ दर अकाल पुरख दा दर। सो इस प्रकार आसा राग दे विच तीसरी थां आपां सोदर साहब दे दर्शन कर रहे हां बाणी दे। जिस वेले गुरु साहब जी सुमेर पर्वत तों सिद्धां नाल चर्चा करके काग पसुंड दत्तात्रेय प्रहलाद ध्रुव भगत आदिकां नाल वचन मिलास करदे होए सचखंड विखे पहुंच के अकाल पुरख पास नमस्कार करके बैठ गए। ये कथा आपां गुरु नानक सो प्रकाश दे विच 120 घंटे की जिहड़ी कथा कीती है उहदे प्रसंग आए हुए ने सारे। अकाल पुरख ने वचन किया साडा दरवाजा अते घर तुसीं किहड़ा निश्चय किया। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने उस वेले अमृत वेला विचार के आसा राग विच सोदर दा शब्द उचारिया, क्योंकि आसा राग दे गायन दा समा अमृत वेला है। दूसरा बचन यह आउंदा है, ये शब्द सो उस वक्त उचारण किया जदों सो बेबे नानकी जी ने बचन किया सी, वीर जी वो अकाल पुरख दा दर केड़ा है, कैसा निश्चय किया है तुसी। उदों बेबे जी नूं भी यही शब्द सोदर सो आसा राग दा सुनाया सी। सो महाराज जी बख्शिश कर रहे हन, सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जे तो बह सर्ब संभाले। ये जिहड़े तीन फर्क सोदर दे आपां संथिया च दसे ने, इत्थे मम्मे दे थले हलंत लाई है भारा करके आए दा अद्धा हिस्सा अद्धा हाहला के इहनूं संभाले पाठ करना। कहिंदे हे वाहिगुरु ओ आप जी दा दरवाजा केहड़ा है कहीए, अते सो आप जी दा ओ दर केहड़ा कहीए। सो जिस प्रकार कहिंदे ने भाव सारे ही आप जी दे दरवाजे हन अते सारे ही आप जी दे घर हन। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने वचन किया कि आपने सिखां नूं समझाउण वास्ते की निश्चय किया होया है। सो गुरु महाराज ने उत्तर दिता, सो आप जी दा संसार रूपी दरवाजा कथन किया, सो सचखंड रूपी जिहड़ा घर कहा जिथे बैठ के आप सारे जीवां दी संभाल करदे हो, सारिआं नूं खाणा पीणा दिंदे हो। इहों जाण लैणा जदों आपां कहिंदे सो दर तेरा कहा सो घर कहा, सो इस प्रकार इह गल नूं समझ लैणा आपदा संसार रूपी तां दरवाजा है, सचखंड रूप आपदा घर है,
या यों जाण लो कि सतसंगत रूपी दरवाजा कथन किया जिहड़ा संसार विच आपां सतसंगत करदे हां यह वाहिगुरु जी का दरवाजा है अते सो हुंदा उह सरूप रूपी घर कहा जिहड़ा आपदा साध संगत जिस सतसंग रूपी दरवाजे ते बैठ के सारे जीव आप जी नूं संभाले तो भाव याद करदे हन। फिर अकाल पुरख जी ने बचन किया इन्हां घरां ते दरवाजिआं दी आप उपमा कथन करो। महाराज ने बचन कहा कि सरूप रूपी घर तां अकह है ते सचखंड रूपी घर अते संसार सतसंग रूपी दरवाजे की उपमा कथन करते हाँ जी। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। ये असंखा तो भाव बेअंत रूप परमात्मा वाहिगुरु जी आप जी के दरवाजे ते अनेक ही नाद आदिक वज रहे ने वाजे वज रहे ने अते किन्ने ही उन्हां वाजियां दे वावन हारे हुंदा बजाउण वाले ने। तेरे दर दे उत्ते जिन्ने वाजे वजदे ने उन्हां दा कोई अंत नहीं है। केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे। किन्ने ही राग ने ते परी हुंदा रागणिया अते स्यों तो भाव पुत्रां दे सहित कहे जांदे ने। प्रतख भी तेरे सतसंगत रूपी घर संसार विच किन्ने ही गुरु घर ने किन्ने थां सतसंगत हुंदी है किन्ने ही थावां दे उत्ते होर धार्मिक पूजावां हुंदियां ने तो उत्थे फिर जो बाजे बजाउण वाले भी किन्ने ने कीर्तन करन वाले भी किन्ने ने इस तरह जोड़ियां ढोलकियां बजाउण वाले भी किन्ने ने ढोलकियां चिमटे छैणे बजाउण वाले भी किन्ने ने सचखंड दरवाजे ते साध संगत दा कोई अंत नहीं है। सो कितने ही राग परी स्यों भाव रागणियां दे सहित कही दे ने अते कितने ही उन्हां रागां दे गायन करन वाले गवैये हन अगे गाउण वाले। सो इसे प्रकार देवतियां दे रागी आहा हू हू जिहड़े आदिक ने वह भी थोड़ा जस गाते हैं। गावन तुद नौ पाउण पाणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे। इत्थे गावन दे नन्ने थले फेर हलंत है भाव हाहा दा गावन दूजिया सोदरा विच गावन नहीं लिखिया होया इत्थे गावन है। तुद नौ आप जी का जस पाउण पाणी बै संतर हुंदा अगन देवता सब गाते ने। धर्म राजा भी दरवाजे च खड़ा होके आपके जस नूं गाउंदा है। गावन तुद नौ चित गुप्त लिख जाण ने लिख लिख धर्म विचारे। सो जीवां दे लेखे नूं लिख जानन वाले जो चित्र गुप्त हन वह भी आपके जस नूं गायन करदे ने। जो धर्म धर्म दे लेखे नूं विचार के लिखदे हन गावन तुद नौ ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। ईसर कहिए शिवजी ते ब्रह्मा अते 96 करोड़ देवियां सब आपदे जस नूं गायन करदे हन। तेरे सवारे तो भाव तुहाडे बनाए हुए सदा ही शोभनीक हो रहे ने। गावन तुद नौ इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दर नाले। देवत्यां दा राजा इंद्रासन भाव सिंघासन उत्ते बैठा होया देवत्यां दे दल समेत आप जी दे जस नूं गायन करदा जी। गावन तुद नौ सिद्ध समाधि अंदर गावन तुद नौ साध बीचारे। सो 84 सिद्ध समाधियां अंदर स्थित होके आपदे जस दा गायन करदे ने अते विचारवान साधु जिहड़े विचारे गरीबड़े साधु भी आपदे जस दा गायन करदे ने। गावन तुद नौ जति सती संतोखी गावन तुद नौ वीर करारे। जिहड़े जात रखण वाले छे जति अथवा प्रतख सारी दुनिया च जात रखण वाले बहुत सारे लोग सतियां जिहड़ियां संतोखी सब आपदे जस नूं गाउंदे ने। जपजी साहब की पहली कथा च सारा विस्तार सहित दस्या होया। सो करारे तो भाव तकड़े 52 वीर भी आपदे जस का गायन करते हैं। गावन तुद नौ पंडित पढ़े रखीसुर जुग जुग वेदा नाले। इत्थे पढ़े पाठ का फर्क है दूजे सोदरां नालों। ये नहीं कहना कि इत्थे गलत लिखिया होया कई पेन लैके ठीक करन लग जांदे ने। ध्यान रखना पंडित लोग पढ़न वाले विद्यार्थी ते रखीसुर हुंदा महात्मा सब आपदे जस नूं गायन करदे हां जी। चारे युग चारे वेदां ते चारे अवतारां दी उपासना सहित आपदे जस नूं गाउंदे हां जी। गावन तुद नौ मोहणिया मन मोहन सुरग मछ पाए आले। मन दे मोहन वालियां मोहणियां स्त्रियां भी आपदे जस नूं गायन करदियां हन।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੇਤੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ, ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੋਦਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 14 ਰਤਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਜੋਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੋਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 10,000 ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜੇ, ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਰੂਪ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗਾਇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਕਾਰੇ ਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। 9 ਖੰਡ ਸੋ 400 ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਚ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਜੀਉ ਸੋਏ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਸਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਧਰੂ ਭਗਤ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ ਸੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਸਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਊਠ ਘੋੜਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਫੇਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ 3 ਵਾਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿਖੇ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸੋਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਸੋਦਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰੂਵ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰੂਵ ਭਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਭਾਵ ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਗਿਆ, ਤੋ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸੋ ਜੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਗਮ ਸੀ, ਅਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸੀ, ਸੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ। ਅਗਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਮਤਾ, ਤੇ ਅਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਹਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਹਨ, ਸੋ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਆਗਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਗਮਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਖੌਫ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਆਗਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਗਮਾ ਪਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਆਗਮਾ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕ ਸਾਧਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਪੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਸੀ ਪੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਵਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਭ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਪੁੰਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਡਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਚਰਜ ਜਿਹਾ ਚੋਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ।
हे हरि वाहिगुरु जी, तू आप ही सारिया का दाता है, आप ही तू पदार्थां दे भोगण वाला है। तेरे बिना मैं होर किसी नूं जाणिया नहीं है जी। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। हे पार ब्रह्म जी, तू पिछे भी बेअंत सी, तू हुण भी बेअंत है, अगे भी बेअंत होवेगा। इत्थे एक वाचक तां वरत्या, तुसी अखर तां नहीं लाया। एक बार किसी ने यह किया बचन, कहिंदे अकाल पुरख लई इत्थे जचदा नहीं वी तू अखर वरत्या जावे। तू अखर तां वरत्या क्यों, इको एक ही है, तुसी बहुवाचक हो जांदा, इस करके बहुवाचक नहीं कहना, इको तू ही है बस। सो हे पार ब्रह्म, तू आप ही बेअंत है, तेरे गुण भी बेअंत ने। मैं आप दे केड़े केड़े गुण आख के मूँह नाल कथन करा। तेरे क्या गुण आख दा अर्थ मूँह भी हुंदा, मूँह नाल केड़े केड़े आखा जी। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। कहिंदे हे हर जी, मन करके जो आप नूं ध्यांदे ने, हे हर जी तन करके जो आप नूं सेवदे ने, हे सेवने योग वाहिगुरु जो जो पुरश आप जी नूं सेवदे ने, मैं सेवक उन्हां तों बलिहार जांदा जी। सो इस प्रकार पाठ इस प्रकार भी कर, सेव है असी पुराने ढंग नाल करदे आ, कई हुण नवे जिहड़े उह करदे सेव है, जो सेव है तुद जी। सो इस प्रकार इन्ना बड़ा फर्क नहीं पैंदा। पुराने समय विच असी पाठ करदे रहे, सुणाउंदे रहे आ, बाला जाना फिर वह होर ही कुछ बनना शुरू हो जाता है। इस करके यही सब तो ठीक है। हर त्याव है, हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। कहने हे हर जी, मन करके जो आप जी ध्यांदे ने, हे वाहिगुरु तन करके जो आप नूं ध्यांदे ने, हे हरी। सो इस प्रकार बीपसा अलंकार की रीति अनुसार कहंदे ने, हे हर जी जो आप नूं ध्यांदे ने, हे हर जी जो आप नूं ध्यांदे हन, हे ध्यान योग वाहिगुरु हर हर जो आप नूं ध्यांदे हन, वह जीव कलयुग च बड़े सुखपूर्वक वसदे ने। से मुक्त भए जिन हर त्याया जीओ, तिन टूटी जम की फासी। इत्थे दो फर्क आए ने पंक्ति च, जीओ ते टूटी। सो यह सोदर दे विच नहीं इस प्रकार आउंदा, दुबारा लिखण करके महाराज ने फर्क रख लिया थोड़ा। जिन्हां ने हरि नूं ध्याया है वह पिछे भी मुक्त रूप होए ने अते हुण भी मुक्त रूप होए ने। जिन्हां ने मुक्त रूप हरि नूं ध्याया, से तो भाव वह पुरश, सो से तो भाव तिन्हां लोकां विच मुक्त रूप होए ने। उन्हां नूं जो जमा दी फाही पैणी सी वह टुट गई। जिन निरभाओ, जिन हर निरभाओ ध्याया जीओ, तिनका भाओ सब गवासी। एक जिन नूं हलंत लगी हाहा, इस करके जिन करना, दूसरा पहला जिन निरभाओ। जिन्हां ने पिछे निरभाओ हरि नूं ध्याया सी, जिन्हां ने हुण निरभाओ हरि नूं ध्याया है, मन करके जिन्हां ने निरभाओ हरि नूं ध्याया, तन करके जिन्हां ने निरभाओ हरि नूं ध्याया, जिन्हां जिन्हां ने निरभाओ होण वास्ते निरभाओ हरि नूं ध्याया, उन्हां सभनां दा सब प्रकार दा भाव जिहड़ा डर सी उह वाहिगुरु ने गवा ही दिता। जिन सेवया मेरा हर जीओ, ते हर हर रूप समासी। जिन्हां ने पिछे मेरे हर जी नूं सेवया सी, जिन्हां ने हुण मेरे हर जी नूं सेवया, जिन्हां जिन्हां ने सेवने योग मेरे हर जी नूं सेवया, वह हर हर दे सरूप विच अभेद हो गए ने। से तन जिन हर त्याया जीओ, जन नानक तिन बाल जासी। निश्चय करके वह पुरश धन ने, वह पुरश धन हन, वह पुरश धन हन जिन्हां ने धनता योग हरि नूं ध्याउणा कीता। से तो पावो पुरश, से तो पाव तिन्हां देवत्यां करके धनता योग उन्हां पुरशां तों मैं बलिहार जांदा। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। इत्थे रह राश भरे बेअंत सिहारी नाल है, ते बेअंता ला नाल है, पर इत्थे जिहड़ा पाठ हासा राग च आए दोनों ही लावां ही लगियां होईयां ने। हे हर जी, तेरी भगती दे पिछे भी भंडारे भरे होए सन, हुण भी तेरी भगती दे बेअंत भंडारे भरे होए हन, अगे भी तेरी भगती दे बेअंत भंडारे भरे होए होणगे। हे बेअंत रूप वाहिगुरु, तेरी प्राप्ति करवाउण वाली जो तेरी भगती है, इस भगती दे बेअंत भंडारे भरे पए हन। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। हुण बीपसा अलंकार दी रीति अनुसार दसदे ने, बार बार जिहड़ा रिपीट करना, हे हर जी तुहाडे भगत तुहाडी शलाघा करदे हन,
तुहाडे भगत तुहाडी शलाघा करदे हन। हे हर जी, पिछे भी भगत आप नूं सलाउंदे सन, हुण भी भगत आप नूं सलाउंदे हन जी। आप दे गुण उचारन वाले भगत आप नूं सलाउंदे हन जी। हे अनंतता बेअंत हरी, तेरे गुण अनेकां हन ते तेरे गुणा दे उचारन वाले भी अनेकां हन। हे वाहिगुरु, तू आप ही बेअंत है, तेरे गुण भी अनेकां हन अते तेरी महिमा भी बेअंत है जी। तेरी अनक कर है हर पूजा जी, ताप ताप है जप है बेअंता। हे वाहिगुरु जी, पिछे भी अनेकां पुरश आप की पूजा करते सन, हुण भी अनेकां पुरश आप की पूजा करते हैं, अगे भी अनेकां पुरश आप की पूजा करनगे। हे हरि जी, तेरी पूजा भी अनेक प्रकार की है, अते तेरी पूजा दे करन वाले जेडे इंसान ने भी अनेकां प्रकार दे हन। बेअंत पुरश तप नूं तपदे हन, बेअंती जप नूं जपदे हन। तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी, कार किरिया खट कर्म करंता। हे हर जी, तेरे सरूप दे कथन करन वाले सिमरतियां आदि ग्रंथ भी अनेक ने, तेरे स्वरूप के कथन करने वाले शास्त्र भी अनेक ने, उन्होंने पढ़ने वाले पुरश भी अनेक हैं। वह करंता होकर खट हुंदा छे प्रकार के कर्मों की प्रक्रिया करते हैं, संध्या तर्पण होम यग तिथ पूजा देव अर्च आदिक छे प्रकार का कर्म कहते हैं। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। महाराज कथन करते ने, भगत जन पिछे भले सन, हुण भी वह भगत जन जिहड़े भले हन, अगे भी वह भगत जन भले होणगे। सही भगत भगती दे करन वाले भले हन। जो भगत मेरे हरि भगवंत नूं भाउंदे ने, से तो भाव तिन्हां लोकां च भले ने। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। हे करता पुरख वाहिगुरु, तू सब पुरखां दी आदि रूप है, अते संसार तो अपर हुंदा परा रूप है। तेरे जेड़ा वड़ा होर कोई भी नहीं है। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोई, सारिया जुगां विखे सदा सदा एक तू ही है, तू ही है। सो तू निचल करता पुरख है वाहिगुरु जी। होर तो सारे जेड़े ने निचल तो भाव हुंदा जेड़ा अचल अटल परमात्मा है। सो नह चल तो भाव नहीं चलता, चलाए मान नहीं हुंदा। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सोई। जो तेनू आप नू भाउंदा उही वरतारा सारे संसार च वरतदा, जो तू आप करदा उही कुछ हुंदा। तुद आपे सिरज सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। हे वाहिगुरु जी, तुसी आप ही सारी सृष्टि उत्पन्न कीती है, तुसी आप ही सारी सृष्टि की सिरज हुंदी पालना कीती है। अंत विच आपने सारी सृष्टि गोई हुंदा बुलाई है, मिलाई है, छुपाई है। सो इस प्रकार है, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। महाराज कथन करदे ने, हे भाई उस करते पुरख दे गुणा नूं गाउणा करो। हे सेवक जनों, उहदे गुणा नूं गाओ। जो वाहिगुरु सारिआं दे जान होई हुंदा है, सो उत्पन्न करन वाला, जो सारे दिलां दीआं गल्लां जाण होई हुंदा, जानण वाला है,